हाय फ्रेंड्स, मनीष नायर। मेरे लास्ट वीडियो में आपने फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में देखा होगा और आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। देखिए, जो मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आप और उसे अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा गलत हो जाता है। मेरे एक गुरु है ब्रूस ली, वो कहते हैं कि नोइंग इज नॉट इनफ, यू नीड टू अप्लाई। विलिंग इज नॉट इनफ, यू नीड टू डू। दोस्तों, ऐसे कई सारे गुरु बना के रखे हैं मैंने, और आप भी ऐसे कर सकते हैं। एक मेंटर, एक आइडल बनाई है जिसे आप कॉपी कर सकते हैं, जिसे आप अपने अंदर ढाल सकते हैं, जो आपके डेवलपमेंट में बहुत कारगर साबित होगा दोस्तों। तो आइए इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन पे हम एक नजर डालते हैं। जैसे फॉर्मल इंट्रोडक्शन में आप अपना प्रोफेशनल फ्रंट बताते हैं दोस्तों, वैसे ही ये इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन में आप बताते हैं आपका पर्सनल फ्रंट। तो याद रखिएगा, इसमें भी तीन पैरामीटर्स है। जैसे वहां तीन पैरामीटर थे, यहां भी तीन पैरामीटर है। इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले अपना नाम बताते हैं, उसके बाद में आप अपना नेटिव बताते हैं, आप कहाँ से हैं, आपकी पैदाइशी कहाँ से है। तीसरा पॉइंट ये होता है दोस्तों कि आप अपना फैमिली बैकग्राउंड बताते हैं, और चौथा पॉइंट मैं इसे डाल रहा हूँ, नाम के अलावा यदि मैं कंसिडर करूँ तो ये तीन ही रहेंगे, उसके अलावा नाम के अलावा। और चौथा पॉइंट ये होगा दोस्तों कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो एक उदाहरण के रूप में मैं वापस से दोहराता हूँ अपने आप को, और एक उदाहरण आपके सामने पेश करता हूँ। इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन आपका पर्सनल फ्रंट है, इसलिए आप नाम के साथ में आप कहां से आप बिलोंग करते हैं, कौन सी जगह से आपकी पैदाइशी है वो बताइए, आपका फैमिली बैकग्राउंड बताइए, और उसके अलावा आप आपका इंटरेस्ट बता सकते हैं। राइट फ्रेंड, अब इसको कैसे आप ढाल सकते हैं एक पूरे कम्युनिकेशन पैराग्राफ में, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। राइट फ्रेंड, माय नेम इज मनीष नायर, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन नागपुर, and I have a family of four. My mother, she is a retired principal. My wife, she loves to be an housewife. I have a daughter who is just appeared in 12th standard and she's expecting the results. This is my family, and I am a corporate trainer, a life skill trainer, and a motivational coach, and this is my passion. I'm talking about interest. I have a great interest in music. Right from my school childhood days, I have been singing, following music, listening to various Bollywood artists, and I'm fond of Kishore Kumarji, Mohammad Rafi Saab, and that's the reason I've picked up all the nuances from Bollywood music. And I love to perform, I love to be part of musical group, and that's what I'm enjoying. This is my interest. The best part of my interest is it never stress me. If I'm stressed, if I go back to my interest component, then I'm always happy, I'm always rejuvenated, I always bring my newness and freshness to my work, and that is what I call as my interest, and I stick to this interest. Thank you. And I believe कि यदि आपको ये मेरे तीन component informal introduction के समझ में आएंगे दोस्तों, तो इसे jot down कीजिए, इसे लिखिए, और इसे ऐसे एक video बनाइए, खुद assess कीजिए दोस्तों, informal introduction for you। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक topic के साथ में जल्दी। Until then, thank you, great day, God bless.